बीबी आ गई। उसने आके कहा हुजूर, खामन कहता है तलाक दे दूंगा, सास कहती है रखना ही नहीं, वजह यह है कि मेरी गोद खाली है, मेहरबानी फरमाए। शेख अब्दुल कादर जिलानी ने मुसल्ला बिछाया, हाथ उठाए, अल्लाह बेचारी तड़पती आई है, इसकी गोद हरी कर दे, करम फरमा दे, ये बेचारी बड़ी दुखी है, बंदा नमाजी फरमा। हजरत खजर अलैहि सलाम आए, कहने लगे हुजूर क्या आप दुआ न करें, मैं पैगाम लेके आया हूँ, इसके नसीब में ही औलाद नहीं, न करें दुआ, ने कर दी पर यहाँ तो है ही नहीं। तो ये लाडले है ना रब रसूल के, अल्लाह रसूल को मना लेते हैं। तो गौसे पाक कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, औलाद कोई नहीं, कोई नहीं। फिर हाथ उठाए, कहे अल्लाह तुझे पता था ना कि ये मेरी तरफ आ रही है, और मालिक तुझे पता था ना दुआ का कहेगी और मैं दुआ करूंगा, तू जानता था ना, अच्छा अच्छा मैं समझ गया। अब ये लोगों से जाके कहेगी मैं अब्दुल कादर तक भी हुआ यूं पर मेरा काम नहीं बना, मिला कुछ नहीं, ये कहे और दो आंसू शेख अब्दुल कादर जनाबे खिजर वहीं खड़े खड़े कहने लगे अब्दुल कादर तेरे भी कुर्बान जाऊं और तेरे रब के तेरे साथ प्यार के भी कुर्बान जाऊं। रब फरमाता है बोलिए कितने बेटे चाहिए बीबी को, आप कीजिए बात। तो गौस पाक फरमाने लगे चूंकि मेरे घर आई है तो रब से फरमाए सात बेटे तो अता कर देना। ओ भाई इतनी सी बात नहीं लोगों की समझ में आती कि मेरा कोई लाडला प्यार वाला हो तो मैं मान जाता हूं, तो जो रब रसूल के लाडले वो जब बात करते हैं तो अल्लाह रसूल भी मान जाते हैं।